हेलो एवरीवन, फ्रेंड्स एंड फूडीज में आप लोगों का स्वागत है। बहुत लोगों को तुरई खाना कम पसंद होता है, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए तुरई की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप इस तरीके से तुरई बनाएंगे तो ये भी आपके फेवरेट लिस्ट में आ जाएगी। तो तुरई बनाने के लिए सबसे पहले हमें तुरई को अच्छे से धुल लेना है, उसके बाद हम इसे छील लेंगे। तो इसके लिए हमें पतले और सॉफ्ट तुरई लेने हैं, जिसमें बीज बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो जैसे मैंने तुरई लिया है, आप देख सकते हैं पतले पतले हैं काफ़ी, इसी तरह हमें तुरई चाहिए ये रेसिपी बनाने के लिए। हम इसे छील लेंगे, कहीं कहीं पर इसे किलकी भी बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर इसे तुरई ही बोलते हैं। ये देखिए, सारी तुरई मैंने अच्छे से छील लिया है। अब हम इसे बीच से कट करेंगे, पहले हाफ कट करेंगे, उसके बाद हम इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। तो 1 से 1.5 इंच का पीस हमें रखना है इसका, इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे मैं कट कर रही हूँ। पहले बीच से कट करना है, फिर हमें इसके छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो ये देखिए, सारी तुरई हमारे कट के रेडी हो गई है। अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन में हम सबसे पहले 3 चम्मच बेसन डालेंगे इसमें, तो आप कोई भी बेसन ले सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे, और इन सबको हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि तुरई ऑलरेडी पानी छोड़ता है। जैसे ही हमने नमक ऐड किया है तो तुरई थोड़ी देर में पानी छोड़ने लगेगा, तो जो बेसन है वो अपने आप तुरई में चिपक जाएगा। तो इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, बेसन अच्छे से चिपक गया है तुरई में, ये मैरिनेशन किया हुआ तुरई रेडी है। तब इसे हम साइड में रखते हैं। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है मैरिनेट करके, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। ज़्यादा देर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा ये, तो 10 मिनट रख सकते हैं हम। तो तब तक हम इसे मसाले तैयार करेंगे। तो हमने एक पैन लिया है, उसमें हम 2 चम्मच मूंगफली डालेंगे और इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो मूंगफली को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो देखिए, अभी मूंगफली हमारी थोड़ी सी रोस्ट हो गई है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये नहीं पकी है। तब इसमें हम 1 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे और थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे, और इन सबको भी मूँगफली के साथ हम ड्राई रोस्ट करेंगे। हमें इसमें तेल नहीं डालना है भूनने के लिए, हमें सूखा ही इसको भूनना है। तो जब तक मूंगफली क्रिस्पी नहीं हो जाती, हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेना है, लेकिन ज़्यादा नहीं भूनना है। धनिए का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, बस उसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाना चाहिए। ये देखिए, हमारा मसाला भी भून के तैयार हो गया है। तब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे हम थोड़ी देर रख देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम ग्राइंडिंग जार में डाल के इसका एक पाउडर बनाएंगे। तो बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हमें इसको थोड़ा मोटा या दरदरा ही पीसना है। इसे हम साइड में रखते हैं। अब सेम पैन में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हम गर्म होने देंगे। ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमारा जो मैरिनेटेड किया हुआ तुरई है, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी छूटने लगा है, तब इसमें हम डाल देंगे। तो ध्यान से हमें डालना है तेल में। तो तुरई डालने के बाद तेल में हम इसे अच्छे से फैला देंगे पूरे पैन में, और मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर या ढक करके हमें इसे बिल्कुल नहीं फ्राई करना है, नहीं तो पानी छूटने लगेगा और ये एकदम गीला गीला हो जाएगा। तो बस इसे हमने अच्छे से फैला दिया है। अब एक तरफ अच्छे से गोल्डन कलर आ जाएगा, तब हम इसे पलट देंगे। तब इसे हम पलट देते हैं। थोड़ी देर पका लिया मैंने इसे, आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर आ गया है एक तरफ, गोल्डन कलर बहुत ही सुंदर लग रहा है। तब इसी तरह हम दूसरी तरफ भी पका लेंगे चला के। इसको हम चला के फिर से फैला देंगे, दूसरी तरफ भी अच्छे से कलर आ जाए, उसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसे हम थोड़ी देर और पकने देते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकाना है। जब तक हमारी तुरई पक रही है, देखिए मैंने मसाले को भी ग्राइंड कर लिया जो हमने रोस्ट करके रखा था। आप देख सकते हैं ऐसे ही दरदरा पीसना है हमें, बारीक नहीं करना है। तो इसे हम साइड में रखते हैं। ये देखिए, हमारी तुरई भी रेडी हो गई है, देख सकते हैं सॉफ्ट हो गई है, और ये कलर भी इसमें बहुत अच्छा आ गया है, गोल्डन कलर। तब इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही यम्मी दिख रहा है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और सेम पैन में हम तेल डालेंगे। तो
तो 2 चम्मच हम इसमें तेल और डालेंगे और तेल को हम गरम कर लेंगे। तो देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, उसके बाद 1/2 चम्मच हम बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और लहसुन को हम गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है। ये देखिए हमारा लहसुन भी भून चुका है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, तो एक मीडियम साइज का प्याज मैंने लिया था। अब इसे भी हम गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे प्याज को। ये देखिए हमारा प्याज भी भून चुका है, गोल्डन कलर आ गया है इस पे। तब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे, तो 2 मीडियम साइज का टमाटर मैंने यूज़ किया है इसमें पेस्ट के लिए। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे, तो ध्यान रखना है नमक हमने मैरिनेशन में भी डाला था, तो इसलिए हमें टेस्ट के अनुसार ही नमक डालना है। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, जैसे आप तीखा खाते हों। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसे ढक करके लो फ्लेम पर मसाले को अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि मसाला तेल अच्छे से छोड़ नहीं देता। इसे हम लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो देखिए मैंने मसाले को थोड़ी देर पका लिया है, हमारा मसाला भी अच्छे से पक चुका है। देखिए तेल भी रिलीज होने शुरू हो गया है, इसमें हमारा मसाला रेडी है। तो अब इसमें हम जो हमने पाउडर बना के रखा था, जो रोस्टेड मसाला था, मूंगफली और धनिया कड़ी पत्ता, वो डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक करके लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो 1 मिनट से ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, क्योंकि मसाला सब कुछ पक चुका है। बस 1 मिनट हम और पका लेंगे इसे ढक करके। ये देखिए हमारा मसाला एकदम रेडी हो गया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है मसाले की। तब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको ग्रेवी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डालें, लेकिन मैं इसे थोड़ा ड्राई ही बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 1.5 कप के आसपास पानी डाला है इसमें। तो अब इसमें हमने जो तुरई फ्राई करके रखी थी वो भी डाल देंगे इसमें सेम टाइम पे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी तुरई मिक्स हो गई है। तब इसे हम ढक करके 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, जिससे ग्रेवी है थोड़ा तुरई के साथ अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसे 2 से 3 मिनट और पका लिया है। तो आप इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही बढ़िया लग रहा है और स्मेल भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो ये हमारी तुरई एकदम रेडी है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, अगर आपको और ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें और पानी डाल के पतला कर सकते हैं। हमारी सब्जी रेडी है। अब इसमें हम धनिया की पत्ती डाल के मिक्स कर देंगे। आप इसका लुक और टेक्सचर देखिए, बहुत ही यम्मी लग रही है। अब इसे हम सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये हमारी तुरई रेडी है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।